हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 3 से 4 इयर्स बेबी के लिए रफल टॉप और प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बतलाने जा रही हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कपड़े को इस प्रकार खोलेंगे और इसे इस प्रकार 4 फोल्ड में फोल्ड कर देंगे। देखिए, हमने यहाँ पे फोल्ड कर लिए। अब टॉप की हम लंबाई निकालेंगे यहाँ पे 9 इंच। अब यहाँ पे इसे हम लाइन को सीधी कर देंगे। आप अपने बेबी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नाप ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए, हम शोल्डर के लिए नाप लेंगे यहाँ 4.5 इंच। 4.5 पे हम इस प्रकार निशान लगाएंगे और आर्म होल के लिए हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। इस प्रकार हमने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। अब देखिए, चेस्ट के लिए हम यहाँ पे 6.5 पे निशान लगाएंगे और कमर के लिए यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब देखिए, इस लाइन को हम सीधी कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल में गोलाई का शेप दे देंगे। अब इसे हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए, 1/2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हुए हमें कटिंग करनी है। इस प्रकार 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए हम इसे कटिंग कर लेंगे। यहाँ मेरे दोनों पार्ट्स रेडी हो गए हैं। अब चलिए इसके बॉटम पार्ट्स की कटिंग करते हैं। कपड़े को उसी प्रकार डबल फोल्ड में इसमें बिछा लिए हैं। अब देखिए, इसकी लंबाई हम निकालेंगे 8.5 इंच। ये हमारी पहली फ्रिल है, तो इसे हम 8.5 पे हम इस प्रकार निशान लगाएंगे और इसकी लंबाई हम करीब रखेंगे 30 इंच। तो यहाँ पे 30 इंच पे इस प्रकार निशान लगा लेंगे और इस लाइन को हम सीधी कर लेंगे। अब चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमें कटिंग कर देनी है। इस प्रकार यहाँ से हम कपड़े को कट कर देंगे। अब इसके इसे सेंटर से भी कट कर देंगे। तो ये हमारी फ्रंट और बैक की 2 पार्ट निकल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 2 पार्ट निकल गई है। अब इसके छोटे वाले फ्रिल की कटिंग करेंगे। तो इसकी देखिए लंबाई हम उतने ही लेंगे, 30 इंच। तो यहाँ पे हम इस प्रकार 30 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसकी चौड़ाई हम 4.5 इंच पर लगाएंगे। इस प्रकार हम 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस लाइन को सीधी कर लेंगे। अब इसे यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इस प्रकार यहाँ से कटिंग करनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये बॉटम पार्ट की दोनों फ्रिल कट की कटिंग हो गई है। अब चलिए इसकी प्लाजो की कटिंग करते हैं। मैंने यह कपड़े को 4 फोल्ड में इस प्रकार बिछा लिए हैं। अब इलास्टिक के लिए देखिए 1.5 इंच पे इस प्रकार निशान लगाएंगे और इसे सीधी कर लेंगे। अब यहाँ से हम प्लाजो की लंबाई निकालेंगे। तो हमारी प्लाजो की लंबाई है 19 इंच और 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। तो यहाँ पर हम 20 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे कमर के लिए हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हिप का 1/4 लेंगे और +2 कर देंगे। तो 7.5 पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे क्रॉच एरिया के लिए भी हम इस प्रकार 7.5 पे निशान लगा लेंगे। तो अब इसे हम इस प्रकार सीधी कर लेंगे। हमें यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। इस प्रकार हम निशान लगा लेंगे। हमारी मोहरी है 4.5 इंच और 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। तो हम यहाँ पे 5.5 पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से यहाँ इसे हम मिला लेंगे। अब यहाँ देखिए, हमें गोलाई का शेप देते हुए अब इसे हम कटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कटिंग हो गई है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। ये हमारी टॉप है। अब इसकी बाजू के लिए हम तिरछी पट्टी कट करेंगे।
अब देखिए इसे इस प्रकार फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसे हम सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार हम सिलाई लगाएंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं इसे भी हम कट कर देंगे। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इसे इस प्रकार फोल्ड करके यहाँ पे किनारी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे स्लिप की पट्टी अटैच हो गई है। अब इसी प्रकार हम दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट के स्लिप में पट्टी अटैच कर दी है। अब यहाँ पे शोल्डर के लिए हमें पट्टी लगानी है, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 इंच चौड़ी और 12 इंच लंबी मैंने एक पट्टी कट की है। अब उसे देखिए इस प्रकार फोल्ड करेंगे और इसकी किनारी में हम 1/2 इंच के मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। अब इसे हम उलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसे उलट के प्रेस कर लिए हैं। अब इसे इस प्रकार फोल्ड करेंगे और बीच से कट कर देंगे। अब इसकी शोल्डर के लिए भी हम ये स्ट्रिप कट किए हैं। इसे इस प्रकार रखेंगे और इस पट्टी को इसके नीचे इस प्रकार किनारे रखते हुए दोनों साइड में और इसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए 1/2 इंच के मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इसे हम इस प्रकार फोल्ड करेंगे और इसकी किनारी में हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस प्रकार सही से बैठाते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब टॉप के दूसरे पार्ट को लेंगे, उसे इस प्रकार रखेंगे और इस पट्टी को इस पट्टी के नीचे इस प्रकार रखते हुए यहाँ पे हम उसी प्रकार सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे सेम तरीके से इसे हम फोल्ड करेंगे और इसके किनारे में हम सिलाई लगा लेंगे। हमारी सिलाई हो गई है। अब इसे टॉप को इस प्रकार रखेंगे और इसके बॉटम वाले भाग को लेंगे। तो देखिए ये हमारी बॉटम वाली भाग है, ये हमारी बड़ी वाली फ्रिल और ये हमारी उसके ऊपर छोटी वाली। तो देखिए ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों की है। अब इसे इस प्रकार हम फोल्ड करेंगे और इसके सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक पार्ट में सिलाई कर लिए हैं। अब इसी प्रकार हम सारे पार्ट को सिलाई कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी को सिलाई लगा लिए हैं। अब इसमें देखिए हमें गैदरिंग बनानी है। जितनी हमारी कमर है उसी के बराबर हमें गैदर डालते हुए कपड़े को बराबर कर लेंगे।
यहाँ पे देखिए 5 नंबर की बड़ी सिलाई लगानी है। इस प्रकार सबसे बड़ी वाली सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे देखिए थोड़ा हमें ज़्यादा धागा को कट करना है। इस प्रकार धागा को कट कर लिए। अब देखिए हमारे नीचे वाली जो धागा होती है उसे हमें इस प्रकार अलग करनी है, और नीचे वाले धागे को इस प्रकार पकड़ेंगे और कपड़े को धीरे धीरे इस प्रकार खींचते हुए इसमें हम गेदर डालेंगे। इसी प्रकार हम गेदर डालते रहेंगे जब तक हमारी कमर के बराबर तक इसमें गैदरिंग ना आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे पार्ट में गेदर डाल दिए हैं। अब इसे देखिए बड़ी वाली पार्ट और उसके ऊपर छोटे वाले पार्ट को इस प्रकार रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार दोनों को अटैच करते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अटैच कर लिए हैं। अब इसी प्रकार हम दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट को अटैच कर लिए हैं। अब उसे इस प्रकार हम उल्टे करके रखेंगे और इसकी किनारी में हम सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच के मार्जिन रखते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी एक पार्ट अटैच हो गई है। अब इसी प्रकार हम बैक साइड वाले पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी दोनों पार्ट अटैच हो गई है। अब इसे इस प्रकार उल्टा करेंगे और इसकी किनारी में हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी जितनी मार्जिन है उसी हिसाब से हम यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ देखिए हमारे 4 पार्ट को इस प्रकार सही से बैठाते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इसे एक बराबर रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी यहाँ पे टॉप कंप्लीट हो गई है। चलिए प्लाजो की स्टिचिंग करते हैं। ये हमारी प्लाजो है, उसे इस प्रकार हम ओपन कर लेंगे और इसकी आसन वाली साइड को हम सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार 1/2 इंच के मार्जिन रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरे साइड भी इसी प्रकार हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसे इस प्रकार ओपन करेंगे और इसके बॉटम वाले भाग को इस प्रकार फोल्ड करते हुए इसके नीचे हम सिलाई लगा लेंगे, या तो आप उस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा के आपको दिखा रही हूँ।
दूसरे साइड भी इसी प्रकार हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, उसी प्रकार सेम हमें सिलाई लगानी है। देखिए हमारी सिलाई हो गई है। अब इसे बॉटम वाले भाग को इस प्रकार फोल्ड करेंगे और इसकी किनारी में हम सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार चारों तरफ इसकी सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई हो गई है। अब इसे इस प्रकार सीधी करेंगे और इसके कमर में हमें इलास्टिक लगानी है। मैंने यहाँ पे 1 इंच की इलास्टिक ली है और हमारी जितनी कमर है उससे 4 माइनस करते हुए यहाँ पे मैंने 15 इंच की लंबी इलास्टिक ली है। उसे देखिए इस प्रकार रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे पक्की सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी इलास्टिक बीच से ना खुले। इस प्रकार हम सिलाई को पक्की कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी इलास्टिक अटैच हो गई है। अब उसे इस प्रकार रखेंगे और कपड़े को इसके ऊपर इस प्रकार फोल्ड करते हुए इसकी किनारी में हम सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ हमारी इलास्टिक में सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए, इलास्टिक से नीचे ही हमें सिलाई लगानी है। इस प्रकार हम खसकाते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। सेम उसी प्रकार से कपड़े को फोल्ड करेंगे और उसकी किनारी में हम सिलाई लगाते जाएंगे। और इलास्टिक को देखिए इस प्रकार खसकाते हुए यहाँ पे इलास्टिक को बढ़ाते जाएंगे और सेम मेथड से हम यहाँ पे इलास्टिक को अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी इलास्टिक अटैच हो गई है। अब उसे इस प्रकार खींचते हुए इलास्टिक को सही से बैठा लेंगे और इसके सेंटर में हम एक सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार बैठाते हुए और यहाँ से इलास्टिक को खींचते हुए हम यहाँ पे सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी इलास्टिक ना खिसकेगी और ना ही बीच से मुड़ेगी। ये सिलाई हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी इलास्टिक बीच में फिक्स रहे। तो हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी यहाँ पे प्लाजो बन के कम्प्लीट हो गई। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।